या अली मदद। अलवाइज अबू अली वाइज नंबर 238। या अली मदद, आज की आवाज आप सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम मुसलमान हैं तो दूसरे मुसलमानों में और हमारे में फर्क क्यों है। हमारा एक गिनान है, उसका एक पाठ बनता है। सच्चा बीबी आयशा के हुजरे में थे। हुजरा कहते हैं रूम को, बेडरूम को हुजरा कहते हैं।
लघु हिजरे का मतलब ही रूम है, चाहे किसी भी यूज के लिए हो गए। थोड़ा पंखा ऊंचा करो। नबी करीम, आपकी 9 बीवियां एट ए टाइम थी, वैसे आपने 11 शादियां की, तो नबी को देख के हम 11 शादियां करें तो नहीं हो सकता। बीबी खदीजा अपने आयशा के रूम के अंदर थे, शाम को मस्जिद में गए, घर वापस आए, थोड़ा दूध पिया, खजूरें खाई और हुजूर खड़े हो गए। रूम छोटा था, रसूल अकरम खड़े रहे। बीबी आयशा आपके सामने ही जमीन पर सो गई, गर्मी थी इसके लिए जमीन ठंडी ठंडी थी, सो गई। आधी रात के बाद बीबी आयशा की आंख खुली तो देखा हुजूर खड़े हैं, कभी रुकू में जाते हैं, कभी और वापस खड़े हो जाते हैं। सुबह हुई, बिलाल ने आजान दी, आपने उठ के हाथ मुंह धोया और मस्जिद में चले गए। हाथ मुंह धोने से मतलब वजू, इबादत करते रहे। आपका तो खुदा बड़ा दोस्त है, आप जो मांगते हो वो देता है। देखो आपका पसीना जमीन के ऊपर गिर गया, पांव सूज गए, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? रसूल फरमाया है आयशा, खुदा ताला ने मुझे सारी दुनिया सौंपी है, मगर मैं जो इबादत करता हूं न जन्नत की तलब के लिए न दोजख के डर के लिए, मैं उसका शुक्राना अदा करता। रसूल अकरम की यह इबादत के सारी रात जागते रहते थे, और एक या दो दिन, चार दिन नहीं, 360 दिन जो बरस के हफ्ते होते हैं, रसूल अकरम अमूमन सारी रात इबादत में गुजारते थे। हमसे यह नहीं हो सकता, पर नबी कहा करते थे कि मेरी नकल मत करो, मैं जो कहता हूं वो करो। तो ये एक मैंने आपके सामने इक्वेशन रखी है कि इस्लाम के अंदर मुर्शद का हुक्म मानना चाहिए। नबी क्या करते हैं, मुर्शद क्या करते हैं, वो हमारी ताकत नहीं कि हम कर सकें। इस चीज को मद्देनजर रख के मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताता हूं कि नबी कौन सा दीन लेके आए। लोग मुशरिक थे, मूर्ति पूजक थे, बहुत से लोग थे जो खुदा को नहीं मानते थे, बहुत से लोग थे कि अपने एंसेस्टर्स को मानते थे, बाप दादा परदादा 8-10 पीढ़ी पे कोई हो गया, लकड़ी या पत्थर की उसकी एक मूर्ति बना दी और उसकी पूजा करते थे। इनको पेगन्स कहते थे कि जिनका कोई मजहब नहीं था, मगर वो अपने एंसेस्टर ट्राइबल जो बुजुर्ग थे उनकी इबादत करते थे। अरबों का ऐसा हाल था, मेजोरिटी जो थी या तो वो काफिर थे यानी खुदा ताला की हस्ती से मुनकिर थे, उनको मुलहिद भी कहते हैं, और या फिर वो मुशरिक थे कि जो मूर्ति पूजा करते थे। हां, इन अरबों के अंदर बहुत से यहूदी थे, बहुत से क्रिश्चियन थे, जो खुदा को मानते थे, किसी नबी को मानते थे, किसी किताब को मानते थे, और वो किसी ना किसी तरीके से अपनी इबादत करते थे। यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे चलते थे, और जो क्रिश्चियन थे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे चलते थे। एक चौथा टोला था, ना वो अरबों के मुशरिकीन के साथ था, ना वो यहूदियों में था, ना वो क्रिश्चियनों में था, मगर एक ऐसा टोला था, लोगों का एक ऐसा ग्रुप था, अगरचे वो ग्रुप बहुत छोटा था, कि ना वो किसी की मूर्ति की पूजा करते थे, ना अपने किसी ट्राइबल देवता को मानते थे, ना उन्होंने किसी और तरीके से कुफ्र किया,
मगर वो लोग थे कि जो परहेजगार थे, बदियों से दूर रहते थे, गुनाह नहीं करते थे और इबादत करते थे। किसकी? खुदा की। अरब लोग खुदा के नाम को, अल्लाह के नाम को जानते थे। अल्लाह जो है वो इस्लाम का लफ्ज है, लेकिन ये लफ्ज निकला है अल्लाह से, अलिफ लाम है। अल्लाह का मतलब है माबूद, अल्लाह का मतलब है एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, जिसकी हम इबादत करें, और यही वो लफ्ज अल्लाह हुआ। ये लोग के जो सूफियों की तरह, मिस्टिक्स की तरह थे, इन लोगों के अंदर बड़े बड़े मशहूर बाद में हुए, सुलेमान फारसी इन्हीं लोगों में थे। और कभी आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो रसूल अकरम को एक दफा लेके आपके चचा हजरत अबू तालिब शाम की तरफ गए, शाम यानी सीरिया। मक्का से निकले, नबी करीम तकरीबन 12 बरस की उम्र थी और अपने चचा के साथ सीरिया गए। रास्ते में बुहेरा नाम का एक राहब, राहब कहते हैं साधु को, मौक, अगर से वो क्रिश्चियन था मगर सूफी था, ईसाइयों की शरीयत के ऊपर नहीं चलता था। ये राहब बुहेरा नाम का रास्ते में रहता था, हजरत अबू तालिब उसके दोस्त थे, आया जाया करते थे कभी कभी। इस मुसाफरी में तो अपने भतीजे को लेके बुहेरा के पास गए तो उसने देखते ही हजरत अबू तालिब को कहा, दोस्त कहाँ जाते हो? कि मैं दमिश्क जाता। कहा, नहीं वापस घर जाओ। इस लड़के की परेशानी के अंदर मैं नूर देख रहा और इसके वास्ते मुझे खतरा है, क्योंकि इसके दुश्मन बहुत होंगे। शायद ये वही रसूल है कि जिसकी हम इंतजार करते हैं। 28 बरस पहले नबी ने जब अपनी नबूवत का इजहार किया, उसके 28 बरस पहले बुहेरा ने हजरत अबू तालिब को रसूलुल्लाह की परेशानी से उस चमकते हुए सितारे को देख लिया। अरबस्तान में ऐसे लोग भी थे। आज शाम को हमने अपने आका, अपने मालिक हजरत इमाम का एक फरमान सुना। उसने साफ फरमाया, हमारी जमात 1900 बरस से संगठित और इस घड़ी पे चलती आती है। 1900 बरस, 1300-1400 बरस का नाम नहीं लिया। कई लोग सोचते होंगे कि भला हजर इमाम ने 1900 बरस क्यों कहा? इस्लाम को तो जाहिर हुए अभी अभी 1400 बरस हुए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या इमाम ने भूल की? लोग समझते हो ये इसलिए पहचान हो गया, फरमान पढ़ो तो दो दफा रिपीट किया है। और हम इस बात का ईमान रखते हैं, और हर एक इस्माइली का ये ईमान होना चाहिए कि इमाम और नबी भूल नहीं करते। हमको कभी समझ नहीं आई तो ऐसा समझ लो कि मैं समझ नहीं सका, यूं कहो। इमाम का फरमान कभी गलत नहीं होता, उसके फरमान के अंदर दराज होता है, भेद होता है। जब मैं ये फरमान सुन रहा था तो मुझे ऐसा हुआ कि कई लोगों के दिल में इस वक्त ख्याल आया होगा कि इस्लाम को जाहिर हुए तो सिर्फ 1400 साल हुए, इससे पहले जो 500 वर्ष और क्यों इमाम ने उसमें डाल दिए। उसका खुलासा दे रहा हूं। अरबस्तान में यहूदियों, क्रिश्चियनों, पैगन, मुशरकीन, काफिरों के अलावा एक ऐसी सूफियों की, एक साधुओं की, एक परहेजगारों की, खुदा से प्यार करने वालों की एक ऐसी भी जमात थी, ग्रुप था, कि जो खुदा से मोहब्बत रखते थे, कि जो किसी
आने वाले रसूल की पहचानी को देख के नूर को पहचान लेते थे, वो आदिल थे। हम उस ग्रुप के साथ चले आए हैं, वो ग्रुप हमारा ग्रुप था। अल्लाह ताला फरमाता है हर नबी का दीन इस्लाम था। मोहम्मद को तो खाली जो आखिरी इंस्टॉलमेंट थी इस्लाम दीन की वो दी है, बाकी का इस्लाम तो हर नबी को थोड़ा 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 मिलता रहा। इस्लाम तो इंस्टॉलमेंट में आया और नबी के हाथ में आके कंप्लीट हुआ। कंप्लीट भी कब हुआ, ठहरो आपको बताऊंगा। तो उस जमाने के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, जीसस के बाद ऐसा एक ग्रुप था, नबी ईसा। मैंने आपको कभी कभी, शायद यहां नहीं मगर किसी और जमात के अंदर कहा है कि बहुत से पादरी क्रिश्चियन आपके दोस्त हैं, कभी पूछो किसी को जाके कि जीसस कितनी उम्र में नबी हुए, तो कहेंगे 30 बरस में। तो उनको पूछो कि हमको तो बाइबल और दूसरी डिक्शनरियों या और तवारीखों में मिलता है कि जीसस 12 साल की उम्र में गुम हो गए। कहां गए? 12 साल की उम्र से लेकर 30 बरस तक हजरत ईसा किधर थे? ये पादरी आपको जवाब नहीं देंगे, उनको पता नहीं है। अलबत्त आज भी क्रिश्चियनों के अंदर ऐसा एक ग्रुप है मिस्टिक्स का, है कि जो इन चीजों को जानते हैं मगर बोलते नहीं, मिक्सअप नहीं होते, अपने आप को छुपा के रखते हैं, जाहिर नहीं करते कि हम मिस्टिक हैं, सूफी हैं। क्रिश्चियनों में सूफी हैं, और मैं ये पर्सनल नॉलेज से आपको कह रहा हूं, सिर्फ किताब पढ़ के नहीं कह रहा, मैं ऐसे शख्सों से मिला हूं। ईसा अलैहिस्सलाम 12 साल की उम्र में अपना गांव छोड़ के सीरिया की पहाड़ियों में चले गए, वो पहाड़ियां के जो सीरिया और तुर्की की सरहद पे हैं। इन पहाड़ियों के इलाकों के अंदर आज भी बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, जिस तरह हिंदुस्तान के हिमालय पर्वत की तराई के अंदर, यानी जो छोटी छोटी चोटियां और पहाड़ियां हैं, वहां आज भी बेहिसाब साधु संत बैठे हैं, आबिद हैं। उस जमाने के अंदर सीरिया और तुर्की की जो सरहद है, ये पहाड़ी इलाकों के अंदर एसनीज नाम का एक ग्रुप था, ESENES, एसनीज। ये सूफी लोग थे, ये साधु थे। ये लोग अपना घर बार काम का छोड़ के ये पहाड़ों में जाके इबादत करते थे। इनको दुनियादारी के अंदर कोई शौक और कोई ख्याल नहीं था, ये अपनी आकबत की फिक्र में रहते थे। इन्हीं लोगों में से यही जो एसनीज थे, या इन लोगों की दोस्ती में से कि जब ये सूफियों की संगत में आते हैं तो सूफियों का असर पड़ता है, ख्यालात बदलने लगते हैं, दुनिया कड़वी लगती है, आखिरत मीठी लगती है, दुनिया के सुखों में दर्द होता है और इबादत करने के दुख में लज्जत आती है। मेरे नफ्सों का मजा उठाओ, मैं आपको जो कह रहा हूं एक एक लफ्ज में आपको एक एक फिक्रा कह रहा हूं। तो इन एसनीज के, इन्हीं ग्रुप के साथ कोई शख्स ऐसे दोस्त थे, या चार थे या छह थे। इन लोगों ने, ये जवान आदमी थे, इन्होंने सोचा कि चलो 2-4 बरस जाके इबादत करें और देखें कि ये बुजुर्ग लोग जो कहते हैं कि ये है ये है ये है, चलो ये भी देख लें। निंदारो इबादत भी एक कोर्स है, मेडिकल कोर्स है, इंजीनियरिंग कोर्स है, और जिस तरह से कोर्सेस 1 साल का 2 साल का 5 साल का, इस तरह से इबादत भी एक कोर्स है। सारा दिन झूठ बोलते रहे
दगा परेब करते रहे, चोरी चकारी करते रहे, बदनजरी करते रहे, गिला गिबत करते रहे, जुगाड़ खेलते रहे, शराब पीते रहे, शाम को जमा खाने आए, ये समझते कि मेरे सब गुना दूर हो गए पर ये इबादत के लिए आए। तो मोमिनों, ये लोग कभी 1000 बरस की जिंदगी पाएं और दिन को बुराइयां करें और रात को इबादत करें, खुदा की कसम उनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलने वाला ही नहीं। जमीन को खेड़ के बीज डाल दो और हर रोज उस बीज को हिलाते रहो तो वो तो कभी नहीं उगेगा। सुबह की इबादत का अगर मजा लेना है तो 24 घंटे उस इबादत को, जो 1 घंटा इबादत की है ना, अगर की है तो उसको बाकी 23 घंटे उसको संभाल के रखो। आज सुबह जो मैंने इबादत की है तो 23 घंटे मैं इस इबादत को संभाल के रखूं, फिर दूसरा दिन इसमें ऐड करूं और दूसरा दिन 23 घंटे फिर इसकी हिफाजत करूं, फिर मैं चौथे दिन इसमें और ऐड करूं, सुबह इबादत करूं, 23 घंटे इसकी हिफाजत करूं कि मेरी सुबह की इबादत बिगड़ न जाए, कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए कि इसमें खलल पड़ जाए, तो इबादत का मजा मिलेगा। ये जो 4-6 जवान थे इनको ऐसा ही हुआ कि चलो 2-4 बरस चल के इबादत करें। 1-2 की बीवियां थी, बाकी कुंवारे थे, घर बार छोड़ दिया, थोड़ा सा खाने पीने का सामान, कुछ पैसे लेके कि हो सकता है कुछ जरूरत पड़े। ये लोग दूर चले गए, एक पहाड़ की गुफा ढूंढी, उस पहाड़ का नाम था कहफ। कुरान शरीफ के अंदर एक सूरा है, उस चैप्टर का नाम है कहफ, अल कहफ। कहफ उस पहाड़ का नाम था और ये पहाड़ सीरिया के अंदर है। बाज लोगों ने उसका मुकाम इराक की उस हद को कि जो सीरिया के साथ मिलती है वहां कहा है। लोकेशन का हमको सही इल्म नहीं, मगर मैंने जो किताबें पढ़ी और लोकेशन का ख्याल किया तो मेरे अपने पर्सनल ख्याल के हिसाब से ये सीरिया की पहाड़ियों के अंदर कहीं है। ये 4 या 6 जने वहां चले गए। इनमें से एक आदमी का एक कुत्ता था, कुत्ते को बहुत भगाया मगर वो रहा नहीं घर से, वो इनके साथ रस्सी तोड़ा के भी चला आया। इन्होंने सोचा कि चलो आने दो। अब ये 4 या 6 जवान इस गुफा में आके इन्होंने साफ की गुफा की और उधर बैठे, किसी एक मुर्शिद के पास से कुछ सीख के आए थे, बस उस ध्यान में बैठे रहे। शुरू में ऐसा होता रहा कि अलग सुबह इनमें से वाराफरती टर्न बाई टर्न एक आदमी 2-4 मील दूर गांव था वहां जावे, खाने पीने का सामान ले आवे। अब इन लोगों के पास कोई भी दुनियादारी नहीं थी, बिजनेस नहीं था, बीवी बच्चे नहीं थे, कोई गांव नहीं था, यही 4-6 जने थे और इबादत ही की बात और नियत थी, इसके लिए गुनाह की तो बात ही नहीं थी। ना निंदा हुई, न बदनसरी हुई, न झूठ बोला, न दगा फरेब किया, न कोई और चीज थी। थक जावे तो सो जावे, नींद गालिब आ जावे तो सो जावे, भूख लगे कुछ खा लेवे और बाकी सारा वक्त इबादत के ध्यान में रहे। होते 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 इन लोगों का खाना और नींद घट गई, खाना भी घट गया, नींद भी घट गई। पहले रोज खाते थे, फिर 2-2, 3-3 दिन तक खावे नहीं। होते 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 8-8, 10-10 दिन गुजर जाए, न खाना न नींद और इबादत में बैठे रहे। मजे आ गए ना, नशा आ गया, स्वाद लग गया, लज्जत मिल गई। आखिर ऐसा भी हुआ कि ये बढ़ते बढ़ते मालूम नहीं कि कितने दिन तक ये लोग इबादत में बैठे रहे, बैठे बैठे ही ये लोग गुजर गए। इनकी उम्र निकल गई, मिट्टी पवन से आती रही, दरख्तों के पत्ते उड़ते 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 आते रहे, मालूम नहीं कितने बरस लगे होंगे, ये सब के सब मिट्टी के अंदर बैठे बैठे ही दब गए। सारी जो गुफा थी वो बंद हो गई,
और इनका कुत्ता भी उधर ही मर गया और वो भी दब गया। बरसों हो गए, सैकड़ों बरस निकल गए, कुछ मालूम नहीं कि ये कब की बात है, लेकिन ये बात चौकस है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले की बात है। अल्लाह ताला ने इस चीज के भेद को खोला। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह फरमाया कि चार या छह ऐसे खुदा की मोहब्बत वाले लोग थे कि जिन्होंने दुनिया छोड़ के खुदा की मोहब्बत के अंदर इबादत में अपनी जान दे दी। खुदा ने उनको ढांप दिया। किस तरह ढांप दिया? मिट्टी से, धूल से ढांप दिया। अल्लाह फरमाया वो जन्नत में गए और उनका कुत्ता भी उनका जन्नत में गया। ये जो सूफी लोग थे, इन्हीं सूफियों के ग्रुप में या इनके मुर्शिद उस्तादों जो एसिनीज थे, उनके अंदर ईसा नबी जीसस जाके ठहरे। 18 साल जीसस ने इन सूफियों के साथ गुजारे। हमारा मतलब ये है, हर जमाने के अंदर हम थे। हम का मतलब क्या? खोजे नहीं थे, पंजाबी नहीं थे, पठान नहीं थे, ईरानी नहीं थे। यहां तो मैं जीवों की बात करता हूं, शरीर की नहीं। यानी हर जमाने के अंदर ऐसा एक ग्रुप था, हर जमाने में और हर जगह एक ऐसा ग्रुप लोगों में रहा कि जो आम लोगों की वलन से अलग होके अपनी इबादत बंदगी के अंदर, परहेजगारी के अंदर, नेक चलन के अंदर, पाक पाकीजा पवित्र जीवन के अंदर इन्होंने गुजारा। हमारा संबंध उसी ग्रुप के साथ है। हिजियाद उनाद थी पंख साचो, जब क्रिएशन नहीं थी। आज उस पीरियड को कहते हैं कि जब क्रिएशन शुरू नहीं हुई थी, लेकिन नबी मोहम्मद का जो नूर था वो शुरू हो गया था, फरिश्ते हो गए थे, मलाइका थे। नबी करीम का नूर तो सबसे पहले हुआ। और उनाद कौन सा? कि जब फरिश्ते भी नहीं थे, सिर्फ मोहम्मद ही मोहम्मद थे, उसको हम उनाद कहते हैं। आद और उनाद, तो इसका मतलब क्या? यह पाठ का कि आद उनाद थी ही पंथ साचो। आद तो समझे हम कि भाई क्रिएशन से पहले, कि जब फरिश्ते ही थे, मलाइका थे, रूहें थी, रूहानियां थी और कुछ नहीं था। मगर उनाद वो वक्त के जब रूहानियां भी नहीं थी, फरिश्ते भी नहीं थे, सिर्फ मोहम्मद का नूर था, गुरु ब्रह्मा का नूर था, उस वक्त को उनाद कहते हैं। तो खुदा की सबसे पहले इबादत तो मोहम्मद ने की। जब अल्लाह ने अपने नूर में से मोहम्मद के नूर को जुदा किया, तो वो नूर हालांकि नूर ही नूर है, लेकिन इस नूर की मोहब्बत में रहा। इबादत का मतलब ही मोहब्बत है दीनदारों। तस्वीरें के पीछे पीछे पीछे, ये तो इबादत नहीं, ये तो इबादत का एक तरीका है। इबादत खुदा की, उसका मतलब मोहब्बत करो खुदा। जब अल्लाह ने अपने नूर से मोहम्मद के नूर को जुदा किया, तो इस जुदाई की वजह से उस नूर में, मोहम्मद के नूर में बेचैनी पैदा हुई, बेचैनी पैदा हुई, तड़प पैदा हुई,
ये तड़प मोहब्बत की थी, मोहब्बत की वजह से जुदा होना ना चाहते थे, लेकिन जुदा किया गया एक मकसद की वजह से। इस जुदाई की मोहब्बत जो थी यही इबादत है, और मोहब्बत ही इबादत का बीज और एसेंस है। अगर किसी के दिल में मोहब्बत नहीं है तो वो इबादत कर ही नहीं सकता। मुर्शिद की मोहब्बत तो पहले लाजिम थी। है मौलाना शाह सुल्तान मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह दार सलाम आए, एक दफा फरमान किया कि मैंने आज बहुत दिनों से तुम्हें बहुत से दुनियावी फरमान किए हैं, आज मैं तुम्हें एक मजहबी फरमान करता हूं जिसमें दीन दुनिया की तुम्हारी भलाई है। और फरमाया अली नबी के जानशीन के साथ मोहब्बत रखो, बाकी सब चीजें इसके अंदर आ गई। इबादत का नाम ही मोहब्बत है। इबादत का लफ्ज निकला है अबूदियत से। अबूदियत का मतलब है गुलामी, गुलामी, गुलाम उसको कहते हैं कि जो पूजा करे। अब्द का मतलब जो प्रेम करे, पूजा करे, परस्तिश करे, वर्शिप करे, किसी भी हालत के अंदर इनकार ना करे, डिसओबीडियंस ना होवे उस पर, उसको कहते हैं इबादत। तो आद उनाद थी, जब फरिश्ते नहीं थे, जब रूहानियां नहीं थी, सिर्फ मोहम्मद ही थे, पीर थे और शाह थे, ये दोनों ही थे, अल्लाह थे और मोहम्मद थे। इन लोगों की जो आपस में, ये दो नूरों की आपस में जो मोहब्बत थी, ये दो नूर एक ही नूर हैं, लेकिन जुदा इसलिए किया कि उसको क्रिएशन का मकसद था। तो जिंदारों, उस जमाने से ये मजहब चलता आता है। कौन सा मजहब? हमारा इस्माइली मजहब। तो इस्माइली मजहब का आज आपको पता लगा कि इसका एसेंस क्या है? मोहब्बत। आज उनाद थी ही पंच साचो, यानी उस जमाने से के जब क्रिएशन नहीं थी, फरिश्ते भी नहीं थे, ये मजहब था तो मजहब की सूरत में था, प्रेम की सूरत में था, प्रेम की सूरत, मोहब्बत। यही मोहब्बत हमको दुनिया के अंदर लेके आई, और मोहब्बत की वजह से ही हम वापस इस दुनिया से उधर जाएंगे कि जिधर से हम आए हैं, और हम वापस उसी अल्लाह के नूर में फना हो जाएंगे। ये फना सिल्ला का जो दर्जा है, ये भी मोहब्बत का दर्जा है। तो हमारा मजहब उधर से चला आता है। हर जमाने के अंदर लोगों के अंदर ऐसा एक ग्रुप था कि जो ग्रुप खुदा से मोहब्बत करते थे, वो ग्रुप उतरते 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था। इस्लाम जाहिर होने से पहले वो ग्रुप था, और जब वो मुसलमान हुए, जाहिर के अंदर मुसलमान तो थे, सिर्फ एक नाम का फर्क था। मोहम्मद की शनाख्त उनको बाद में हुई, फिर भी शनाख्त करने वालों ने, बुहेरा राहब जैसे आदमियों ने उसको देख लिया। बुहेरा ने कहा, ऐ दोस्त अबू तालिब, मैं चाहता हूं कि जिंदा रहूं और इसकी नबूवत जब जाहिर हो तो आके इसके कदम चूमूं, लेकिन अबू तालिब मैं तब तक जिंदा नहीं रहूंगा। और बुहेरा दो बरस पहले मर गए, गुजर गए। कैसे आबिद थे, कितना परहेजगार था, उसको मालूम था कि ये नबी है, उसको मालूम था कि ये नबी बनेगा तब मेरी हयाती नहीं होगी। ऐसे आबिद वो जमाने में जो थे, वो आम लोगों से जुदा थे, अलग रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे। जो इबादत करने वाले हैं, जो खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, वो लोगों से कम मिलते हैं। हमको क्यों ऐसा कहा गया? हमारे गिनानों में, फरमानों में, कुरान पाक में, हदीसों के अंदर हमको कहा गया है कि तुम दोस्ती करो तो नेक इबादत वालों की दोस्ती करो। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि एक आदमी मेहनत करके, दौड़ के, जॉगिंग करके, पसीने से शराबूर हो गया है, बदन से पसीना निकल रहा है, बदबू आ रही है, और वो आके आपके पास बैठ जावे तो आपको उसकी बदबू आएगी? जरूर आएगी। अगर कोई आदमी नहा धो के, परफ्यूम डाल के, इत्र लगा के आया है तो उसकी खुशबू आपको आएगी? जरूर आएगी। शायद नाक खराब होगी तो नहीं आएगी, मगर जरूर आएगी।
इसी तरह से एक आदमी बदमाश है, झूठा है, मक्कार है, दगाबाज है, फरेबी है, शराबी है, जुगारी है, नापाक, आपको जाहिर के अंदर वो कैसा ही भला लगता हो मगर उसके दिल के अंदर कालिक और स्याही है। आपने उसकी दोस्ती शुरू कर दी, दो पांच दस दिन महीने चले कुछ भी नहीं होएगा, लेकिन उसकी रोज की दोस्ती से आहिस्ता 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 आपका जो ईमान का झाड़ और प्लांट है ना, वो नीचे से सड़ना शुरू हो जाएगा। हिंदू लोग हींग खाते हैं, हींग गर्म होती है, पेट में गैस को दूर करती है। हम मुसलमान नहीं खाते क्योंकि हींग को पकाने के लिए गधे के चमड़े में रखते हैं एक बरस तक, और वो गधे के चमड़े की तासीर उसमें आती है। मुसलमान कभी हींग नहीं खाएंगे। दवा के तौर पे डॉक्टर दे रहे तो शराब भी जायज हो जाती है। ये हींग, एक मुट्ठी भर हींग लेके तो बहुत बड़ा दरख्त हो गए, आम के दरख्त जैसा। उसकी जड़ों के अंदर थोड़ा खड्डा खोद के एक मुट्ठी डाल दो, पांच सात आठ महीने के अंदर आहिस्ता 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 ये दरख्त जो है ना सड़ने लगेगा, मुरझा जाएगा, गिर जाएगा, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जिस तरह हींग बदबूदार है और हमारे लिए जायज नहीं है, मैं उसको हराम का लफ्ज़ नहीं देता, लेकिन वो लोग के जो दुनियादार हैं, जिनके दिल में ईमान की मोहब्बत नहीं, जो हिपोक्रेट हैं, जो मुनाफिक हैं, जाहिर में मोमन पने का दावा करते हैं लेकिन उनके काम शैतान की तरह हैं, इन लोगों को जाहिर में मोमन दिखते हैं मगर काम शैतान के हैं, उनको दूर रखो। हर जमाने के अंदर ये जो लोग थे जिनको हम सूफी कहते हैं, जिनको हम सतपंथी कहते हैं, वो लोग गांव छोड़ के, घर छोड़ के जंगलों में चले जाते थे। उसकी वजह यह थी कि वो बदसंगत से दूर हो जाने। आज हमको इस्लाम के अंदर इस चीज की मना की रसूलुल्लाह ने कि मेरे मजहब के अंदर रहबानियत जायज नहीं। रहबानियत कहते हैं घर बार छोड़ के जंगल में चले जाना, नबी ने मना किया है। और ये हमारे लिए एक जात का टेस्ट है। इसी को रसूलुल्लाह ने पुल सरात कहा है। पुल सरात का मतलब है वो पुल के जिसको ऊपर चढ़ना है हर शख्स को, और पुल सरात में इंसान अगर जरा भी पांव लथड़ गया तो नीचे दोजख है, वो दोजख में गिर जाएगा। और पुल सरात रसूल फरमाया तार, तार की तरह, बाल की तरह बारीक है और तलवार की तरह तेज है, इसके ऊपर से चलना है। और वो चलना क्या है कि हमको दुनिया में रहना है, बीवी बच्चों में रहना है, कुटुंब बना के रहना है, पेट भरने के लिए हमको अपनी मेहनत मजदूरी करके, अपना बिजनेस रोजगार करके कमाई करनी है, रिजल्ट पैदा करना है, उसमें से दसवंत निकालनी है, उसके अंदर से हमें दुनिया की दुख तकलीफें भी मिले तो वो भी सहन करनी है। ये सब चीजें खुदा के रास्ते के अंदर एक किस्म का टेस्ट है। सूफी लोग, उन्होंने ये देख के कि हम दुनिया छोड़ के आए हैं और दुनिया के दुखों से हम निकल आए हैं मगर दुख के बगैर नजात नहीं, तो उन्होंने जानबूझ के अपने ऊपर दुख लेने शुरू किए। बीवी बच्चों का, कार रोजगार का, पास पड़ोसी का, दुनिया के दुख छोड़ के वो जब जंगलों और गुफाओं में आ गए तो वो ये बात जानते थे कि दुख के बगैर नजात नहीं मिलेगी। दुखों से कभी भी घबराओ मत, दुखों से कभी अपने दिल को नाराज ना करो। दुख आवे तो शुक्र करो कि शायद खुदा ने इसके अंदर मेरे लिए कोई गिफ्ट भेजा है। तो ये लोगों ने जब देखा कि हम जानबूझ के दुनिया के दुख तो छोड़ के आए हैं तो दुख के बगैर तो नजात नहीं, तो इन्होंने अपने ऊपर भूख का दुख ले लिया, खाना पीना छोड़ दिया या कम खाना शुरू किया, नींद कम कर डाली, ठंडी के अंदर नंगे बदन बैठ के इबादत करने लगे, ठंडी लगे मगर ख्याल में चल जाए तो फिर ठंडी भी ना लगे, गर्मी का जमाना आवे तो उलन के कपड़े पहने। अगर हम ऐसा करने लगे तो दिमाग पागल हो जाए, मगर इन लोगों ने ये सब बर्दाश्त किए। नंगे पांव चलते थे, कांटे खूंचते थे, लहू निकलते थे, परवाह नहीं करते थे। और इस वजह से कि इनको मौत का कोई डर नहीं रहा, इस वजह से कि इनके दिल में कोई दुखों का ख्याल नहीं रहा,
तो जंगलों के जो जंगली जानवर थे उनसे भी ये डरते नहीं थे। शेर नजदीक चले जावे, भेड़िया चले आवे, सांप निकल जावे, इन्हें उस बात की कोई परवाह नहीं थी। और वो जानवर भी इन रूहानियों की, इन लोगों की, सूफियों की जो मेंटल और रूहानी वाइब्रेशन थी, फील करते थे कि ये आदमी दुनियादार नहीं है, ये खुदा दोस्त हैं। न सांप उनको काटते थे, न शेर उनको खाता था, न और कोई उनको नुकसान होता था, क्योंकि वो खुद ही दुखों को ले लेते थे। रसूल ने आके इस बात को चेंज किया। तो इमाम का यह फरमान कि 1900 वर्ष से हमारी जमात इस तरह संगठित रही है क्योंकि ये ग्रुप मिलके इबादत करते थे जंगलों में। हमारी जमात उधर से चली आई जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का इजहार किया। तो दीनदारों, मक्के और उसके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग थे कि जो इस जमात के थे, नेक थे, परहेजगार थे, पवित्र विचारों वाले थे, बदियां बुराइयां गुना नहीं थे, खुदा की इबादत करने वालों में से थे। तो ये लोग नबी के पास भाग के चले आए। जब दूसरे आम अरबों ने इस्लाम को कबूल किया, और इन लोगों ने जो इस्लाम को कबूल किया तो तफावत ये थी कि इन्होंने खुद ब खुद अपनी इबादत के जोर से जो पहले से करते चले आते थे, अंदर की आंखों से नबी के नूर को देख लिया, और दूसरों ने ये चीज नहीं देखी, और वो इसलिए मुसलमान हो गए मेजोरिटी के इस्लाम के अंदर आके उनको बहुत सी राहतें मिली कि जो उनके अपने तरीके पे नहीं थी। जब मुसलमानों को सताना शुरू किया, नबी के घर वालों ने ही सताना शुरू कर दिया, और बाद में लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया, और लड़ाइयों के अंदर माल गनीमत बांटने लगा, तो लालच की वजह से लाखों अरब मुसलमान हो गए। कुरान शरीफ में फरमाया है, ऐ मोहम्मद, इन अरबों को कहो कि तुम तो खाली इस्लाम को कबूल किया है, ईमान तुम्हारे दिलों में अभी तक गया नहीं। मेजॉरिटी वो लोग थे नबी की हयाती के अंदर, भले 1.5 से 2 लाख आदमी मुसलमान हो चुके थे नबी की हयाती में, लेकिन मोमन तो बहुत थोड़े थे, बहुत थोड़े थे। अभी अभी मैंने एक किताब निकाली है, इस्माइली तारीखा, मैंने इन चीजों का उसके अंदर ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ खुलासा दिया है कि रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर आम मुसलमान कैसे थे और हमारा सतपंथियों का ग्रुप कैसा था। मिकदार थे, अबू फता कंबर थे, सुलेमान फारसी थे, अबू जर गफारी थे, अम्मार बिन यासर थे, सासा बिन सुहान थे, ऐसे 40 आदमी थे जो नबी के सितारे थे, नबी के प्यारे थे, नबी उनका प्यारा था। ये लोग बड़े बड़े दुख उठाए, बड़े बड़े दुख उठाए। इन लोगों में एक ऐसा आदमी था कि जिसने रसूलुल्लाह को जाहिर में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इसका नाम था वही अलकलबी। कहते हैं बाज दफा वही अलकलबी की शक्ल के अंदर हजरत जिब्रील आते थे। इसी तरह से ऐसे लोग भी थे कि जो नबी के साथ हमेशा रहते थे, जैसे कि हजरत बिलाल थे, अबू जर गफारी थे। ये लोग इबादत करते थे, आम लोगों के साथ मिलते थे, यदि सब लोग चले जाते थे तो इनमें से 10, 20, 25, 50 जितने थे, थोड़े या ज्यादा या टोटल नबी के पास आके बैठते थे, नबी से बातें करते थे, हिदायत पाते थे, इबादत करते थे, इबादत सीखते थे। शुरू शुरू में इन्हीं लोगों में छुप के इबादत करते थे। अभी तक रसूल पाक ने जाहिर में नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू नहीं करवाया था। ज़ैद बिन अरकम के घर में मक्का के अंदर ये लोग मिलते थे, और नबी इस तरह का एक छोटी सी चौकी यानी पाठ टेबल, उसके ऊपर मिट्टी के प्याले,
उसके अंदर पानी, खजूर की गुठलियां निकाल के हाथ से मसल के रखा होगे, और रसूल अकरम अपने इन प्यारे बच्चों को अपने हाथ से नियाज पिलाए और सुकरीफ के तौर पे, शिरीनी के तौर पे ये खजूर दे रहे। ये उस जमाने का जिक्र है कि अभी तक जाहिर में मुसलमानों को नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला। ये उस जमाने का जिक्र है कि हजरत उमर अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। यही वो टाइम था कि जब हजरत उमर की बहन मुसलमान हो चुकी थी और मक्के के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरुद्ध में बड़ी चर्चा होती थी, तो एक दिन गुस्से में आके तलवार नंगी लेके बाजार में से निकले कि मैं जाके मोहम्मद का सर काट के हमेशा के लिए ये झगड़ा खत्म कर दूं। तो इसको गुस्से में और नंगी तलवार लिए रास्ते में देख के एक शख्स ने पूछा, उमर कहाँ जाते हो? छोड़ दो मुझे, आज मैं जाके मोहम्मद का सर काट दूं और ये सब कितना खत्म हो जावे। उसने आहिस्ता से कहा है, उमर मोहम्मद का सर काटने से पहले अपनी बहन और बहनोई को भी खबर लो कि वो मुसलमान हो चुके हैं। हैं? छोड़ मोहम्मद का रास्ता, चले गए बहनोई के घर पे। बनेवी के घर पे गए तो दरवाजा बंद था, मगर अंदर से आवाज आती थी, सूरतुर रहमान की तिलावत कर रहे थे मियां बीवी दोनों, और उसके अंदर इतने मशगूल थे, इतने मशगूल थे कि इसने बहुत दफा दरवाजा खटखटाया तो भी उन्होंने सुना नहीं। बड़े जोर से फिर चिल्लाए और जल्दी से उन्होंने, मियां बीवी ने, ये सूरतुर रहमान के जो कागज थे वो गदेले के नीचे, खटले के नीचे छुपा दिए। दरवाजा खोला, हाथ में तलवार देख के बहन बहनोई दोनों डर गए, अक्खड़ थे, गुस्से वाले थे, पीछे हट गए। क्या पहुंचे थे तुम लोग? दोनों छुप, जल्दी करो नहीं तो मैं अभी तलवार से तुम्हारा खात्मा कर दूंगा, मैं आवाज सुन रहा था। क्या पढ़ते थे? बहन को जोश आ गया, उसने सोचा हकीकत को छुपाने से क्या है, एक दिन मरना तो है और अल्लाह के नाम पे मर जाना इससे तो बेहतर और क्या हो सकता है। हाँ भाई, हम मुसलमान हो चुके हैं। पांव ढीले हो गए, बैठ गए। तुम मुसलमान हो गए? हाँ। सुनो, इसको बिठा के बहन ने वो कागज निकाले और सूरतुर रहमान की तिलावत शुरू की। किताबों में लिखा है, मैंने तो देखा नहीं। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, भाई बहनोई और बहन को कि मुझको मुसलमान बनाओ। वो बहुत खुश हुए, चलो मोहम्मद के पास। अब सारा शहर घूम मारा, रसूल अकरम कहीं मिले नहीं। किसी ने कहा रैद बिन अरकम के घर में है, और उस वक्त हुजूर रसूल अकरम नियाज पिला रहे थे। नियाज पिला रहे थे, दरवाजा बंद था। वो जमाने के दरवाजे दो पट के बीच में काफी जगह रहती थी, आंख डाल के देखा तो अंदर लोग नियाज पी रहे हैं, सुकरीत खा रहे हैं, पैदा चुकिया। जब सब लोग छह पारा, सब लोग पी चुके, दरवाजे पे हल्की सी दस्तक थी, किसी ने देखा, उसने भी अंदर से आंख लगा के देखा तो उमर खड़े हैं। या नबी, उमर आया। फरमाया, आने दो। एक आदमी तलवार निकाल के खड़ा हुआ कि अगर उमर अच्छी नीयत से आया है तो भले आवे, वगरना यही उसकी मैं गर्दन उतार दूंगा। हुजूर ने फरमाया, बैठ जाओ। हजरत उमर आए और वहां मुसलमान हुए। मैंने आपको ये बात क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि हम जो इस्माइली हैं, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दस्त मुसलमान हैं। अपने पंथ के हिसाब से, चाल चलन के हिसाब से कैसे हैं वो तो मुझे मालूम नहीं, वो तो हम खुद ही को जानते हैं। लेकिन हमारा जो मजहब है, हमारा तरीका है, ये वही दीन है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए,
और मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखाते थे, मैं तुम दीनदारों ये जो दीन है ना वजनदार है, हर कोई नहीं उठा सकता, ये तो पीएचडी डिग्री की तरह बहुत कठिन और मुश्किल कोर्स है। वो बच्चे के जो किंडरगार्टन में है उनको क्या पता, वो बच्चे के जो प्राइमरी में पढ़ते हैं उनको क्या पता, वो बच्चे के जो अभी तक ग्रेड 13 भी पूरे नहीं किए उनको क्या पता कि पीएचडी की डिग्री में क्या होता है। लेकिन जो जानते हैं वही जानते हैं, इसलिए दुनिया में हमेशा इस पंथ के अंदर थोड़े लोग रहे, हमेशा हर जमाने में थोड़े रहे। तो नबी करीम ने ये मजहब थोड़े लोगों को सिखाया, वही थोड़े लोग चलते 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 आज हम यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह। हमारा इस्माइली मजहब वही तरीका है कि जो नबी करीम सिखाते थे, उन लोगों को सिखाते थे कि जो एडवांस हो जाते थे। अब हुआ ये कि हम एडवांस तो न हुए, खुद में हमने पीएचडी तो न की, लेकिन पीएचडी बाप के घर में जन्म ले लिया और स्कूल में भी भागते रहे, पढ़ा नहीं। बाप तो पीएचडी है लेकिन मैं तो कुछ नहीं। हमारा हाल ऐसा हुआ, हमारे बाप दादा ने इस्माइली मजहब तो ले लिया, अब हम उनके घर में पैदा तो हो चुके, कहाँ हमको फूटने पड़े, कहाँ फेंके, तो हम रह गए अंदर, आता जाता कुछ नहीं, कुछ नहीं। पीर ने एक बड़े अच्छे गिनान में फरमाया है, फरमाते हैं कि ये जो फरमान है, ये जो कलाम है, ये जो ईमान है, ये जो मजहब है, तुमने ले तो लिया, लिखी सर ए मोमिनो महाव्रत तमें आदर्यो, तमें कई न जानियो सतपंथ नो भेद हो। तुमने मजहब का भेद नहीं समझा, मजहब तो लिया क्योंकि मजहब के अंदर पैदा हुए, लेकिन हमने मजहब को जाना नहीं। रसूल अकरम ने आम लोगों को क्या सिखाया, एक अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि वो 2, 5, 10, 20 अल्लाह मानते थे। फिर क्या सिखाया कि मुझको कबूल करो कि मैं मोहम्मद तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारा मुर्शिद हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ और तुमको सिखाने आया हूँ। कबूल किया, ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब ये कि तुम अंदर दाखिल हो गए, स्कूल में तुमको किंडरगार्टन के अंदर तुमको नर्सरी स्कूल में एडमिशन मिल गई, तब तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया कि तुम इस स्कूल में से प्राइमरी, प्राइमरी में से सेकेंडरी, सेकेंडरी में से कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जा सकते हो, तुम इस लाइन के ऊपर आ गए। लेकिन कहां तक पहुंचोगे वो तो तुम्हारी खुद की एबिलिटी के ऊपर है। रसूल अकरम ने आम लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखाया, और फिर उनके अंदर जो सोशल बीमारियां थी, सोशल बदियां थी, इंडिविजुअल जो बदमाशियां थी, उनके लिए हुक्म किया कि तुम इनको छोड़ दो, किसी से वादा करो तो पूरा करो, किसी का माल हो गए उसको हाथ मत लगा, किसी की औरत हो गए तुम्हारी बहन और माँ है, किसी के ऊपर जुल्म मत करो, किसी का खून मत करो, किसी ने तुम्हारे से दगा किया है तो तुम कोर्ट में जाओ मगर तुम उसका खुद अपने हाथ से बदला मत लो, लॉज बना दिए। और फिर जब उनको इन बदियों से दूर रख के तो थोड़ी सी टॉनिक मिलनी चाहिए, फरमाया तुम खुदा की इबादत करो, और इबादत का ये तरीका निकाला कि खड़े हो जाओ, तुमको ऐसा महसूस होना चाहिए कि जिस तरह एक बुजुर्ग और महात्मा के दरबार के अंदर या राजा बादशाह के दरबार के अंदर उनकी अरज करनी होती है तो खड़े होकर करते हैं, तुम खड़े हो जाओ और समझो कि तुम खुदा के दरबार में खड़े हो, तुम्हें इस चीज का एहसास और फीलिंग होनी चाहिए। और बाद में खुदा ताला का वखान करके झुक जाओ, सजदा करो। ये नमाज की सूरत बताई, इस नमाज की सूरत में एक हिकमत ये भी रखी कि ये एक किस्म की एक्सरसाइज भी है,
आदमी हर नमाज के अंदर अगर चार रकातें पढ़ता है तो वो आठ दफा सजदे करता है और चार दफा खड़ा होता है। सूर्य पाक ने उन लोगों की सोशल बदियों के लिए एक और तरीका निकाला, रमजान महीने के अंदर तुमको ये मजहब मिला, रमजान महीने के अंदर कुरान शरीफ नाजिल हुआ, रमजान महीने के अंदर खुदा ने मेरी नबूवत को जाहिर करने का हुक्म किया, इसलिए रमजान महीने के अंदर शुक्रगुजारी के तौर पे 30 रोजे रखो। वो लोग के जो शराबी थे, वो लोग के जो गोश्त खाने वाले थे, ऐसे थे जो कच्चा गोश्त खाते थे, बैल चला जाता है या ऊंट चला जाता है और भूख लगी, छुरी लेके उसके पलखे पे मारा, वो बेचारा चला जाता है, उसको सुला दो, मार के जिभा करके खाओ, लेकिन नहीं, चलो इतने जालिम थे, इतने रूढ़ और अक्खड़ थे कि चलते चलते बैल गाय बकरी वगैरह को पंखे में छुरी मारी, थोड़ा सा गोश्त लेके, बाल तो कच्चा ही खा जाते थे, थोड़े से भी थोड़ा कच्चा पका भून लिया और खा लिया। इन लोगों की इन किस्म की आदतों के साथ बाज ऐसे थे कि 24 घंटे शराब ही के नशे में रहते थे। उस जमाने के लोग जो थे आमतौर पे जनरली और मेजोरिटी पैदा होते थे तभी गुसल करते थे और जब मर जाते थे तभी गुसल मिलता था, बीच में गुसल नहीं होता था। अब ऐसे लोगों को फरमान हुआ कि तुम नमाज पढ़ो तो पहले तुम तयम्मम करो, पानी मिले तो वजू करो, घुटने तक हाथ मुंह धो के, पांव धो के, आरत तक बाजू धो के, मुंह धो के, बालों के ऊपर भी मिट्टी को ठीक करके खुदा ताला के हुजूर में इस तरह जाओ, तैयार हो रहे थे अपने माइंड को तैयार करने के लिए वजू होता था ताकि वो साइकोलॉजिकली भी अपने आप को तैयार करे। इस्लाम की तालीम के अंदर बड़ी चीजें हैं, ये किंडरगार्टन थी, ये प्राइमरी एजुकेशन थी। उन लोगों की आदतें बदली, झूठ बोलना बदला, शराब जुगाड़ छूटी, जनाकारी छूटी, 5-5, 6-6 बीवियां होती थी, उनको यकदम कह देना कि तुम कुमारे रहो या ऐसी बीवी करो तो उनके लिए इजाजत दे दी कि आहिस्ता से तुम ऐसा करो, चार बीवियों तक रखो, मगर चार का भी हुक्म मक्का में नहीं आया, मदीने में आया। खरीद की हुई बीवियां बहुत सी ले लेते थे। उन लोगों की हजारों वर्षों की जो बदियां बुराइयां थी, रसूल अकरम ने आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप लेके उनमें से उनको छुड़ाना शुरू किया, मगर ये बातें उस ग्रुप के लिए नहीं थी कि जो पहले से हजारों साल से ही खुदा ताला की इबादत करता चला आया, वो ग्रुप के जो सूफियों का ग्रुप था, वो ग्रुप के जो साधुओं का ग्रुप था कि जिसको मैं सत्यपंथियों का ग्रुप कहता हूं, वो अलग था। उनको इस किस्म के दबाव और कंट्रोल की जरूरत नहीं थी, वो तो चढ़े हुए ऊपर पहुंचे हुए देखते, फिर भी आम लोगों के साथ मिलते थे। तो ये तमाम सूफिया जो थे, ये जो बुजुर्ग थे, ये जो खुदा से प्यार करने वाले जो थे, ये सब के साथ मिलके इबादत भी करते थे, मस्जिद में भी जाते थे, रोजे भी रखते थे, क्योंकि रोजे तो ये पहले से रखते थे। ये तो वो लोग थे कि जो 30 रोजे नहीं लेकिन 360 दिनों के अंदर 200 रोजे रखते थे, ये वो ग्रुप था। हम उस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हैं दीनदारों, हमने इस्माइली मजहब को समझा ही नहीं, हम भी उन अरबों की तरह ऊपर ऊपर की चीजों के ऊपर लेके बैठ गए हैं, जमा खाने आए हैं, कहां आए हैं हमें पता नहीं। अगर मैं तलाशी लूं तो आधे आदमियों के खीसों में से अभी अभी इधर जमात खाने में बैठे हुए हैं सिगरेट के पैकेट मिलेंगे, आधे इधर बैठे हैं भाइयों में, 2-4 भाइयों भी होगी कि जिनकी पॉकेट में सिगरेट निकलेगा। हमको यह मतलब मिला बाप दादा की वजह से मिला, मजहब का हमें अभी तक पता नहीं है, कुछ पता नहीं। फिर अपने कबीर दिन फरमाते हैं, आशा जी सतपंथ सारा चाने की सर खोटा अनहोए से खोटाने खोट जी, किस थी सूरज
छिप कर चाले अंधले जना